दोस्तों, जानवरों और इंसानों में एक अजीब सा रिश्ता रहा है, लेकिन इन जानवरों में से अगर किसी को सबसे ज़्यादा वफादार माना जाए तो वो है कुत्ता। आज हम आपको दुनिया के ऐसे कुत्ते दिखाएंगे जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये वीडियो सबसे यूनिक और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे लास्ट तक आप ज़रूर देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल आसिफ इन्फो हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। हरक्यूलस डॉग। इस कुत्ते का वज़न 128 किलो है। ये कुत्ता बिल्कुल अपने मालिक की तरह ही तंदुरुस्त दिखाई दे रहा है। इसका राज है फ्रेश एयर और हेल्थी डाइट और अपने मालिक का प्यार। कुछ कुत्तों की ऊंचाई करीब करीब घोड़ों के बराबर होती है। इस हरक्यूलस की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। दुनिया का यह सबसे ऊंचा कुत्ता कैलिफोर्निया में रहता है। ये जब अपने सामने के दो पैरों पर खड़ा होता है तो एक आदमी की ऊंचाई से भी 3 से 4 सेंटीमीटर ऊंचा दिखाई देता है। आपको बता दें, ये कुत्ते बहुत मासूम होते हैं। दूसरे कुत्तों की तरह ये खूंखार बिल्कुल भी नहीं होते। आजकल हमें छोटे कुत्ते बहुत दिखाई देते हैं। ये बहुत प्यारे लगते हैं, लोग इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। ये देखें, ये है टूडी, सबसे क्यूट कुत्ता, जिसने क्यूटनेस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये जब 6 महीनों का था तभी ये सिर्फ 6 सेंटीमीटर लंबा था और 300 ग्राम वज़न का था। दोस्तों, अब मिलिए जैसी से। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक जैसी एक इंटेलिजेंट कुत्ता है। ये क्लीनिंग, वॉशिंग और ऐसे ऐसे कामों में आपकी मदद करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, जैसे कि डोर ओपन करना, आपके लिए खाना लगाना, ऐसे कई छोटे छोटे काम जैसी आराम से कर लेता है। जैसी का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है और उसके काफ़ी सारे फैंस हैं। अब इसे देखिए, ये एक बहुत ही महंगा कुत्ता है। ये कुत्ता कम शेर ज़्यादा नज़र आता है। इसे एक चाइनीज़ मिलीनियर ने ख़रीदा है, जिसे ख़रीदने के लिए उसे काफ़ी मोटी रकम देनी पड़ी थी। ये सिर्फ 11 महीनों का है, लेकिन लोगों के मुताबिक इसके कलर की वजह से ये दुनिया भर में फेमस है। ये सलोकी है। ये एक शिकारी कुत्ता है। ये बहुत तेज़ और शर्मीले होते हैं। ये बर्गनो शेपर्स है। ये बहुत होशियार होते हैं और अक्सर हिमालया में पाए जाते हैं। वोल्फ हाइबर्ड। ये अपने नाम से ही अपनी पहचान बताता है। ये डॉग ब्रीड वुल्फ ब्रीड के साथ क्रॉस की जाती है और इसलिए इसमें वुल्फ की कई खूबियां पाई जाती हैं। आमतौर पर ये जर्मनी और यूरोपियन ममालिक में पाए जाते हैं और नेचर से ये बहुत ही खूंखार होते हैं। जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड का नाम दुनिया के सबसे ख़तरनाक कुत्तों में आता है। अपने मालिक के ये बहुत वफादार होते हैं, लेकिन अगर किसी से इन्हें ख़तरा लगे तो उस पर हमला करने में ये बिल्कुल भी नहीं रुकते। इन्हें दुनिया के हर कोने में पाला जाता है। बॉक्सर। बॉक्सर डॉग्स को अक्सर गार्ड डॉग्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है और ये इनके समझदार होने की निशानी है। बेहद वफादार और खूंखार बॉक्सर डॉग्स की हाइट 60 सेंटीमीटर और वज़न 30 किलोग्राम तक होता है और ये बहुत ही हुसेल कुत्ते होते हैं। चाओ चाओ। वैसे तो दिखने में बेहद प्यारे होते हैं। ये यूरोप के सबसे पसंदीदा डॉग्स में से एक है, ख़ास तौर पर इनके खूबसूरत बालों की वजह से। इनकी हाइट 55 सेंटीमीटर तक होती है और इनका वज़न 32 किलोग्राम तक। डोगो अर्जेंटिनो। सबसे ख़तरनाक डॉग ब्रीड में से एक डोगो अर्जेंटिनो है। यूके और उसके आसपास के कई मुल्कों में ये कुत्ते बैन हैं। इन कुत्तों को पुराने ज़माने में शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इनकी नेचर बहुत ही ख़तरनाक है और इन्हें पालतू करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। डोबरमैन। अगर आप डोबरमैन के आसपास हैं तो आपको अपनी हिफाजत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अपने मालिक के ये सबसे वफादार होते हैं और ख़तरे को सूंघते ही ये हमला कर देते हैं। इनकी वफादारी की वजह से इनको कई जगहों पर गार्ड डॉग्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जैपनीज टोसा। इन डॉग्स को सदियों से जापान में खूनी खेलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए इन्हें पालतू बनाना बहुत मुश्किल है। ये कुत्ता लड़ाई के लिए बहुत मशहूर है। इन कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें भी बड़ी डरावनी होती हैं। इसे कई मुल्कों में बैन किया गया है। पिटबुल। अमेरिका में सबसे ज़्यादा जान लेने के लिए मशहूर पिटबुल दुनिया के सबसे ख़तरनाक डॉग्स ब्रीड में से एक है। इसका नाम पिटबुल इसलिए रखा गया था क्योंकि इन्हें पिट में उतार कर लड़ाई करवाई जाती थी। ये शिकार और वॉच डॉग्स दोनों के लिए बेहतरीन होते हैं।
लेकिन इन्हें पालना कोई आसान काम नहीं है। पिटबुल की वजह से अमेरिका में 257 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे क्यूट और सबसे ख़तरनाक कौन सा कुत्ता लगा है नीचे कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल लास्ट को आपको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।